बिग बॉस चाहते हैं कि बिग बॉस के सभी दर्शक MPL ऐप डाउनलोड करें, जो कि एक गेमिंग ऐप है, फिर इस ऐप में दिए गए खेल खेलकर ढेर सारा पैसा कमाएं, जैसे बिग बॉस हर रोज करते हैं। और आप इस ऐप द्वारा जीती गई रकम को पेटीएम या UPI द्वारा अपने खाते में जमा करें। धन्यवाद। आँखों की अरे अरे, आराम से, अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है। तो हेलो नमस्ते, केम छो, केरो हाल है, सलाम वालेकुम, कैसे गाय, वेलकम टू BMB प्रेजेंट बिग बॉस सीजन नंबर 14, स्पॉन्सर्ड बाय MPL, मतलब के मोबाइल प्रीमियर लीग। तो चलिए बढ़ते हैं अभी अपने खेल की तरफ। तो अभी आप लोग इस घर में तो आ चुके हो, लेकिन अगर आपको इस घर में सक्सीड होना है तो आपको तीन चीजों को बहुत ख्याल रखना होगा। फर्स्ट, आपको इस घर में मिलजुल कर रहने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड, आपको ये बात बाहर बताना नहीं है कि बिग बॉस एक स्क्रिप्टेड शो है। थर्ड, आपको नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, ये सबके लिए कंपलसरी है, ऑडियंस के लिए भी। तो अभी आप लोगों को अपने अपने BFF चुनने हैं। BFF? बताता हो, मतलब के बाथरूम फ्रेंड फॉरएवर। मतलब आप लोग बाथरूम में अकेले नहीं जा सकते, आपको एक ऐसा फ्रेंड चुनना है जो आपके साथ हमेशा बाथरूम में आएगा। ये क्या मजाक है, मतलब इतने छोटे बाथरूम में हम दो जन बैठेंगे कैसे? डबल सीट बैठना होगा गणेश, डरो नहीं, तुम बस टास्क पर ध्यान दो। सुबह के 9:15 बजे नवाज भाई, इसको क्या हो गया बे? ये सकीना, तेरी चप्पल सूंघा बे इसको। मेरी चप्पल? मर जाएगा रे ये। कोमाले, फिर भी नहीं उठ रहा है। अरे, इसकी तो सांसें भी बंद है। नवाज भाई उठ जाओ, नवाज भाई उठ जाओ। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ। मौत को चुके टक से वापस आ सकता हूँ, टेंशन नहीं लेने का, पहुंचा दूंगा वहां तक, वापिस आना तेरा काम है।
पांक। बिग बॉस आप सभी को एक कार्य सौंप रहे हैं। इस कार्य का नाम है सैक्रेस गेम्स। ये सैक्रेस गेम में तो अपन माहिर है, लेकिन बाप हम अपन नहीं जीतता तो भी चलेगा, लेकिन किसी को जीतने नहीं देगा। ये क्या चालू है रे तुम लोग का? एक मेरे को जीतने नहीं दे रहे तुम लोग, क्या कौन सा खेल है ये? आज मैं खेलेगा ही नहीं। एक कड़ी कौन लगाया रे? अच्छा इधर सबने खाना भी खा लिया, मेरे लिए कुछ बचा है कि नहीं? बिग बॉस मेरे को अभी के अभी आपसे बात करना है। बिग बॉस वो तुम्हारे रूम में बुलाओ तुम मेरे को नहीं मालूम, नहीं तो मैं अभी एक घर छोड़ के जाएगा। मेरा सामान किधर है? मेरा सामान ए रोहज, अरे क्या तू भी छोटी सी बात का बुरा मान लिया रे? हम लोग सब लोग मजाक कर रहे थे रे, अभी थोड़ा तो मजाक चलता है। चल अभी अपने को एक जादू का जप्पी दे। नवाज भाई तुम बहुत मस्त एक्टिंग करते हो। मेरे को मालूम है तुम बहुत अच्छा आदमी है संजू बाबा, लेकिन मेरे को नहीं रहने का इधर, मेरे को जाने दो, मेरे को कंटा लगे इधर, मेरे को बाहर जाकर मुर्गा खाना है। नवाज ऐसे बड़े बड़े घरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। नवाज बिग बॉस चाहते हैं कि आप अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखें। नहीं बिग बॉस अब मैं आपके भी नहीं सुनने वाला। इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। घर चढ़ के जाएगा तू, हम लोग पागल है इधर रह रहे हैं, तू होशियार रह जा। थोड़ा सा मजाक क्या कर लिया, बुरा लगा तुझे? इधर आ, ये है आलिया, इसके ऊपर रोज हजारों मीम्स बनते हैं, ये कुछ बोलती है नहीं और तुझे बुरा लग गया? कौन है तू? पागल है पागल है। हाँ नाना मैं थोड़ा सा बह गया था नाना। दोपहर के डेढ़ बजे। अरे डेढ़ बजे नहीं ढाई बजे। डेढ़ मतलब 2:30 ना? डेढ़ मतलब 1:30 और ढाई मतलब 2:30। ओह अच्छा सॉरी, दोपहर के 2:30 बजे। अच्छा सुन ना, वो बाथरूम में तेरे को कितना टाइम लगता है रे? मेरे को 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट क्या बात कर रहा है? अरे तेरे को मेरे लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा रे। कहीं को मेरे को कम से कम आधा घंटा लगता है। क्या बात कर रहा है आधा घंटा? धीरे बोल धीरे बोल। अच्छा संजू बाबा मेरे को एक बात बता, ये बिग बॉस को एक ही चक्का एक होता है? नहीं मतलब सबको जनरली दो आंखें होती है ना? अरे सिंपल है। अच्छा मेरे को एक बात बता, तू कभी किसी के घर में झांक के देखा है क्या? अरे नहीं बाबा ऐसा बुरा काम अपन नहीं करता। अच्छा अगर तेरे को किसी के घर में झांकना होगा तो तू कैसे ढकेगा? कैसे? अरे ऐसे ढकेगा ना। हाँ लेकिन इसका बिग बॉस से क्या लेना देना? अरे ये रे बिग बॉस चाहते हैं कि बिग बॉस की ऑडियंस बिग बॉस के घर में क्या चालू है वो ऐसे देखे। अच्छा अच्छा संजू बाबा तुमको क्या लगता है ये जो नाना ने किया वो सही किया था क्या? उसको मारना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अभी क्या करेगा, वो नारा का समझाने का स्टाइल ही चैसा है ना। अभी देख तूने उसको समझाया मैंने समझाया, लेकिन वो समझा क्या? नहीं ना, जैसे नाना ने एक रख के दिया प्रॉब्लम सॉल्व। hmm.
बिग बॉस चाहते हैं कि नाना कन्फेशन रूम में आना। नाना मैं क्या बोलता है, मतलब थोड़ा सा फ्रैंकली बात कर लेते हैं अभी। तुझे क्या लगता है, मतलब तूने जो किया आज मतलब नवाज के साथ, तुझे लगता है तूने सही किया? हाँ, तुमने देखा वहाँ पर क्या हुआ था। सब लोग ने उसे प्यार से समझाया, इसने समझाया, उसने समझाया, किसका सुना उसने। मैंने जो एक रख के दिया तब जाके वो माना। हाँ मतलब तू तेरे जगह पे सही था। अभी देखना, मैंने भी उसको कितना समझाया कि बिग बॉस चाहते हैं कि आप मत जाइए, लेकिन उसने सुना क्या? देखना अभी इतना उसको बोलने के बाद भी वो नहीं सुन रहा है तो क्या कर सकते हैं अपन अभी। मेरा एक उसूल है बस, पहले लात फिर बात, जरूरत पड़ने पर मुलाकात। अरे आ, अरे मेरे मेरे आँख में कुछ गया है। रुक, आँख खोल, आँख खोल, मैं फूक मारता हूँ। फू 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 गया। तो अभी वक्त आ गया है ये जानने का के बिग बॉस सीजन 14 के विनर कौन है। नवाज, संजू या आलिया या रणबीर कपूर? नहीं, वो कौन लोग? हाँ, रणवीर सिंह। इन दोनों में मैं हर वक्त कंफ्यूज रहता हूँ। ए जल्दी बोल। हाँ हाँ बताता हूँ बताता हूँ। तो बिग बॉस सीजन 14 के विनर है, जो हम सभी को मालूम है, गुरुजी। सबसे ज्यादा वोट तो मेरे को मिला है इधर अपने गुरुजी। बेटा गणेश, बटन चाहे कोई भी दबे, लेकिन वोट गुरुजी को ही जाएगा। तो बाबा ने किया ऑडियंस पे ताबा और जीत गए बिग बॉस सीजन 14। इसके साथ ये खत्म होता है सीजन, पर अभी तक मेरी शादी नहीं हुई यार। लेकिन फिकर ना, do whatever you want to do man, लेकिन don't trouble your माता पिता and भारत माता। भारत माता की जय। आँखों की जाने से पहले बिग बॉस आपको याद दिलाना चाहता है कि MPL ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। MPL के अलग अलग गेम खेलो और पैसे कमाओ। उन पैसों को आप पेटीएम या UPI द्वारा अपने खाते में जमा कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो। धन्यवाद। चल भाई सलमान।